हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे, सावन का दूसरा सोमवार। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हो गई हूँ नहा धो के रेडी, और अभी मैं पूजा की थाली लगा के जाती हूँ मंदिर। उसके बाद घर पे आके पूजा करूँगी। और आज मैंने हेयर वॉश नहीं किया। बोलते हैं ना कि सावन में सोमवार के दिन हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, तो मैंने हेयर वॉश नहीं किया है। तो चलिए पूजा करते थाली लगा के, उसके बाद मिलते हैं आपसे। और कल मैंने पहनी थी हरी हरी चूड़ियाँ। सावन के महीने में रेड एंड ग्रीन कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं ना, और नेल पेंट भी लगाई थी मैंने। लेकिन सूट मुझे कोई मिल नहीं रहा था। कपड़े इतने होते हैं लेकिन जब पहनने की बारी आती तो मिलते ही नहीं है। हाँ, तो मैंने थाली कर ली है रेडी, फल फूल चंदन वगैरह सब कुछ, दूध दही जल, इसमें है गंगा जल, और ये है हनुमान जी और भोलेनाथ के लिए, तेल और घी का दीपक, दक्षिणा, और ये है शहद। सारी चीज़ें तैयार हैं। इसको कर देते हैं कवर और चलते हैं मंदिर पूजा करने के लिए। जो कुछ भी गलती बन जाए क्षमा करना भगवान जी। झटपट से चलती हूँ मंदिर। दलिया बना दिया है मैंने, लड्डू को आके खिलाऊंगी वरना लेट हो जाऊंगी। इनसे बोल रही हूँ आप दलिया खा लो, बट ये खा नहीं रहे। इनकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा ना इनको। इतने ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑफिस का वर्कलोड और भी काम चल रहे हैं, उनको भी देखना होता है, मतलब आना जाना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें चलती हैं लाइफ में। तो इस वजह से इन पर भी मुझे बहुत वो आता है कि यार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। हालत तो ख़राब हो ही रही है, बट कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं मंदिर भगवान जी की पूजा करने के लिए, और आप लोगों को भी मैं दर्शन करवाऊंगी पूजा करने के बाद। तो पूजा बहुत अच्छे से हो गई है मंदिर में। मैंने पूजा करी वैसे ही भीड़ बढ़ गई जब तक मैं पाठ वगैरह कर रही थी। चलो चलते हैं, हम घर घर जाके करूँगी पूजा। उसके बाद लड्डू को खाना वाना खिलाऊँगी, लगूँगी काम पर। चलो चलते हैं। आपका आज का दिन कैसा रहा मुझे ज़रूर बताना। तो घर पे आके कर ली है मैंने पूजा, बहुत अच्छे से पाठ भी कर लिया है। और यहाँ पे कान्हा जी की आज मैंने ड्रेस चेंज करी है, तो बहुत क्यूट लग रहे हैं। वैसे तो हमेशा ही क्यूट लगते हैं, बट जिस दिन मैं ड्रेस चेंज करती हूँ उस दिन ज़्यादा क्यूट लगते हैं। और आज ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और अब जाके मुझे सुकून मिला है क्योंकि मेरी पूजा हो चुकी है। तो सारे काम से फ्री होकर पूजा करके पेड़ों में पानी देख के, और अभी बना रही हूँ मैं चाय। चाय बनाने के बाद मैं सबको चाय दूँगी और लड्डू को खाना खिलाती हूँ पहले। बहुत ज़्यादा गर्मी है, देखो हालत कैसी हो रही है। तो प्रदीप कहीं चले गए हैं, चाय पानी हो गया है। उनको मैंने चाय के साथ दे दिया है एक आलू का पराठा, जो कि मैंने लक्ष्य के लिए बनाया था टिफ़िन के लिए। और अभी मैंने कर लिए हैं कपड़े चेंज, कैपरी एंड टी शर्ट पहन लिए, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है ऐसे कपड़ों में। इस वजह से तो अभी मैं लड्डू को नहलाऊंगी, और बाथरूम में ना गीले भी हो जाते हैं। और आज मैंने ये वाले इयररिंग्स पहन लिए, बहुत टाइम से पहने नहीं थे इसलिए। चलिए पहले मैं लड्डू को नहलाती हूँ, रेडी करती हूँ, फिर बनाऊँगी लंच सब लोगों के लिए, और लक्ष्य के आने का भी समय हो जाएगा। चलो लड्डू जल्दी से नैया नैया करेंगे। और हाँ दोस्तों, मैं मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। एक्चुअली अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मेरी आईडी साधना ब्यूटी ब्लॉग्स के नाम से, और साधना अनिल कुमार के नाम से। तो ब्यूटी ब्लॉग्स वाले पे ना मैं अपने मिनी ब्लॉग डालती हूँ, क्योंकि ये वाले ब्लॉग मेरे रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी भी हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं बताऊँगी, आगे ब्लॉग में बता दूँगी। तो इस वजह से ना मैं मिनी ब्लॉग डालती हूँ, तो आप लोग उनको भी बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं बाद में। तो लड्डू को मैंने नहला धुला के कर दिया है रेडी। अभी जा रही हूँ मैं किचन में खाना। जय श्री राम करो बेटा। देखो जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, ये अपने नखरे दिखाने लगता है। ओके, इसकी तबीयत ख़राब है, कुछ दिनों से फीवर जैसा आ रहा है, हल्का हल्का मौसम चेंज हो रहा है ना इसलिए। लड्डू अपना काजल दिखाना, कैसा लगा है काजल? अले किसी कर दो सबको, ऐसे ऐसे करना सबको किसी। देखो कांच में देखने गया, कैसा लग रहा है लड्डू? अच्छा
तो ये कुछ दिन पहले की क्लिप है, आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ऑलरेडी मैंने मिनी ब्लॉग शेयर कर दिया है, आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग अगर देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग कमेंट भी किया करो। बहुत सारे लोगों के मुझे पर्सनल मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आप मिनी ब्लॉग ज़रूर शेयर किया कीजिए, अच्छे लगते हैं हमको। तो अभी मैं बच्चों के साथ और पद्देव के साथ जा रही हूँ, कहीं कहाँ जा रही हूँ ये तो मैं अभी आपको नहीं बता रही हूँ, बट इस ब्लॉग में मैं बहुत सारी चीज़ें आपसे क्लियर कर दूँगी, तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहना। एक्चुअली बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे ब्लॉग्स रेगुलर क्यों नहीं आ रहे, तो उसका कारण यह है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। क्या हुआ है मुझे, इसका ब्लॉग भी जल्दी आएगा, कल या परसों में मैं शेयर कर दूंगी, और बेडिंग ब्लॉग भी अभी पेंडिंग है तो उसको भी मैं शेयर करूंगी। अभी एडिटिंग के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरा मन भी नहीं लगता, और सारा टाइम ना मैं अपने बच्चों को दे रही हूँ, क्योंकि लक्ष्य का भी ना अभी एग्जाम चल रहे हैं, तो इस वजह से मैं प्रॉपर ब्लॉगिंग भी नहीं कर रही हूँ। मिनी ब्लॉग शूट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पे पद्देव ना 8 दिन के लिए चले गए थे कहीं, तो मेरा मन भी नहीं लग रहा था। जब वो मेरे साथ होते हैं ना तो मेरा चेहरा हमेशा खिला खिला रहता है, जब वो नहीं रहते ना तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, मेरा किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता। मैं सोचती हूँ कि जब वो नहीं रहेंगे तो मैं बहुत पेंडिंग काम कर लूँगी, लेकिन उनके जाने के बाद ना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता, सच बताऊँ तो इस वजह से। तो अभी यहाँ पर ये है नहीं, 8 दिन के लिए चले गए थे, तो यहाँ पर दोनों की मस्ती चालू है। और यहाँ पर जैसे ही मतलब लक्ष्य कर रहा था तो वो लक्ष्य की सेम टू सेम कॉपी कर रहा था लड्डू, और बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता है, तो अभी हमें संभल के बोलना पड़ता है जो भी कहना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें रिपीट करता है जो हम बोलते हैं। कभी कभी इसके पापा ना गांव की लैंग्वेज में कुछ चीज़ें बोल देते हैं लड्डू को, लक्ष्य को, तो ये कैच करता है और वही चीज़ें बोलता है। तो मैं इनको बहुत डांटती हूँ कि आप ऐसा मत किया कीजिए, क्योंकि बच्चे ना बहुत जल्दी कैच करते हैं सारी चीज़ें। तो बस यही रीज़न है कि मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा है इस वजह से, और मेरी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या हुआ है ये तो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। मैंने प्रॉपर ब्लॉग शूट किया हुआ है, और बेडिंग ब्लॉग भी बहुत अच्छा है, उसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा, मैं जल्दी ही शेयर करूंगी। अब मैं कल और परसों में दोनों ब्लॉग शेयर कर दूंगी, और यहाँ पर देखो दोनों की मस्ती चालू है। लड्डू की ये क्यूट क्यूट हरकतें देख के ना मेरा सारा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, और मुझे लगता है ये टाइम निकल जाएगा, मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊंगी इसलिए। और ब्लॉगिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, और वैसे भी YouTube पे अब ब्लॉग्स वगैरह चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ चल ही नहीं रहा है आजकल, तो लड़ाई दंगे यही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो YouTube से ना मैं जैसे ही ओपन करती हूँ देखते ही मेरा मन भर जाता है, ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से मैं मेरे ब्लॉग बनाने का भी दिल नहीं करता है। उसके बाद लड्डू के पापा घर पे थे नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो मैं इनको लेके गई थी रेस्टोरेंट, क्योंकि लक्ष्य का ज़्यादा दिल करता है बाहर खाने का, तो मैं दोनों को ले गई थी। जैसे थे हम वैसे ही चल दिए थे, और मैंने तो हेयर ऑयलिंग भी कर ली थी बालों में, फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं है घर के पास में ही है, तो दोनों बच्चों को लेके जैसी थी मैं वैसी चली गई हूँ। पूजा पाठ हमारा हो चुका है, अभी रात का समय हो रहा है, 9-10 बज रहे होंगे शायद, तो डिनर में हमने कुछ नहीं बनाया था एक्चुअली, मैं बनाने की सोच रही थी तो ये बोला मम्मा बाहर चलते, तो हमारा ऑल टाइम फेवरेट डोसा एंड छोले भटूरे हैं, जो कि बहुत अच्छे, इनके बहुत अच्छे हैं, ऑयली नहीं है और घी में बनाते हैं ये लोग, तो बहुत अच्छे, मतलब तबीयत ख़राब नहीं होती है इसलिए। तो वैसे तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बट फिर भी मैं, हमारा तो भाई दिल करता है, हम बहुत चटोरे हैं जैसे कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। मिनी ब्लॉग में आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंजॉय आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग घर पर आए, और रात के समय इनकी मस्ती चालू है। देखो इसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं इसको डांटती हूँ ना, सच बात है यार, छोटे बच्चे होते हैं ना उन पर ज़्यादा प्यार तो वैसे दोनों से ही होता है, बट लाड़ प्यार की वजह से ना ऐसे बिगड़ जाते हैं, सुनते ही नहीं है किसी की। तो अभी से मुझे लोग बोलते हैं कि लक्ष्य तो सीधा है और ये लड्डू तुम्हारी नाक में दम कर देगा, ये तो आगे भविष्य बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो अच्छी परवरिश दे सकते हैं, हर कोई माँ बाप अच्छी परवरिश देता है अपने बच्चों को। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का समय है, यहाँ पर मैं लड्डू लक्ष्य को स्कूल भेजा, उसके एग्जाम चल रहे हैं, और मैंने करी भगवान जी की पूजा। और जब तक भगवान जी की पूजा नहीं करती ना, सच बता रही हूँ, मुझे सुकून नहीं मिलता, और मैं ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का नहीं है सिर्फ भगवान के अलावा, सारे रिश्ते सब मतलब के लिए कोई ना कोई मतलब से जुड़े होते हैं। 7:45 का समय हो रहा है, मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर दी है, दीपक लगा दिया है, पद्देव है नहीं तो बस बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं इनको कॉल भी नहीं कर सकती क्योंकि वो बिजी रहते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप शूट करी थी कुछ कुछ दिनों की, उसके बाद पद्देव आ चुके हैं 7 दिन बाद। तो यहाँ पे ये लक्ष्य की डांट लगा रहे थे, तो साथ में देखो लड्डू भी लगा रहा है डांट, मतलब ऐसे नोटिस करता ना इसकी, मुझे बहुत ऐसा लग रहा है गाल खींच दूँ, बट मेरा ही बच्चा है यार, उसको लग जाएगी, मतलब ऐसा होता है। उसके बाद आज मैंने कान्हा जी की ड्रेस चेंज करी है फिर से, तो आज मैंने फिर से आपको दर्शन कराए कान्हा जी की। उसके बाद मैं गई थी मंदिर, तो ये है पंचमुखी शिव जी का मंदिर, और मैंने पहली बार देखा है सच बताऊँ जीवन में ये पंचमुखी वाला मंदिर, और ये है बालाजी महाराज का मंदिर। तो
आपको कैसा लगा दर्शन करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या जय श्री महाकाल लिख सकते हो आप लोग। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि किचन में देखो क्या हालत हो जाती है आप लोगों को, देख सकते हो आप लोग, बहुत बुरी हालत हो रही है। ये कहीं चले गए थे, लक्ष्य स्कूल से आ चुका है, तो फिर ये भी आ गए हैं। अभी बनाने जा रही हूँ मैं लंच, वो चला गया किचन में, चला गया वो, लेके आओ उसको। तो अभी मैं लड्डू को खाना खिलाने के लिए आई हूँ, आटा लगा के आई हूँ और सब्जी की सारी तैयारियाँ, तो वहीं पे मैं सब्जी में तड़का लगा दूँगी और साथ में ही रोटियाँ बना दूँगी जब तक ये नहा के भी आ जाएंगे। और देखो मेरी हरी हरी चूड़ियाँ काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और भाई साहब गर्मी ने तो हाल बेहाल कर दिया, ऐसा नहीं कि आज ही, डेली ही बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो उमस ज़्यादा बढ़ रही है। चलो लड्डू को खिलाती हूँ मैं खाना, और ये ब्लॉग मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, यहीं पे एंड कर दूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और नेक्स्ट ब्लॉग कल ही आएगा, उसके बाद वेडिंग ब्लॉग आएगा, तो आप लोग देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे डेली अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तो मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं आजकल, इसलिए बाय बाय। और लाइक कर दिया करो, कमेंट जरूर करके जाया करो। थैंक यू।